बहुत सारे ऐसे लर्नर्स हैं जो कमेंट बॉक्स में ये पूछते हैं कि स्टिल मींस अभी, अभी भी या अभी तक, और येट मींस अभी भी या अभी तक। तो फिर हम कैसे जाने कि कब हमको वर्ड स्टिल का इस्तेमाल करना है और कब हमें येट का इस्तेमाल करना है। तो आइए फ्रेंड्स इस दो कंफ्यूजिंग वर्ड्स को जाने। बहुत आसान कंसेप्ट है, उम्मीद करता हूँ कि आप पूरी बात समझेंगे। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए फ्रेंड्स इस डाउट को खत्म करते हैं। फ्रेंड्स यहां पर मैंने दो एग्जांपल्स लिखा हुआ है ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सकें। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ स्टिल और येट दोनों का मतलब अभी भी या अभी तक होता है, लेकिन वर्ड स्टिल का यूज हम तब करेंगे जब हमको ये कहना हो कि कोई काम अभी तक जारी है या कोई काम अभी भी प्रोसेस में है, यानी कोई काम कुछ टाइम पहले शुरू हुई जो अभी भी चल रही है, अभी भी प्रोसेस में है। वही दूसरी तरफ अगर हम बात येट की करें तो हम येट का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमको कहना हो कोई काम अभी तक शुरू नहीं हुई। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं मैंने लिखा है वह अभी भी सो रहा है। तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस को पढ़ने पर ये पता चला कि सोने का काम उसने कुछ घंटों पहले शुरू किया जो अभी भी चल रहा है, यानी वो काम अभी भी प्रोसेस में है। तो इस केस में आप स्टिल का इस्तेमाल करेंगे, आप कहेंगे ही इज स्टिल स्लीपिंग, यानी वो अभी भी सो रहा है, या ये जो सोने का काम है स्लीपिंग अभी भी चल रही है। फ्रेंड्स यहाँ पर एक खास बात आपको बता दूं कि स्टिल का इस्तेमाल हम वर्ब के पहले करते हैं या किसी एडजेक्टिव के पहले करते हैं या फिर किसी नाउन के पहले करते हैं। आइए फ्रेंड्स दूसरा एग्जांपल देते हैं। वह अभी तक नाश्ता कर रहा है। तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस को पढ़ने पर यह पता चला कि जो नाश्ता करने का एक्शन है यानी काम है वो अभी भी जारी है, अभी तक प्रोसेस में है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम स्टिल का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर कह रहे हैं कोई काम अभी भी प्रोसेस में है, कोई काम जो पहले शुरू हुई और अभी भी जारी है। वह अभी तक नहीं सोया है, सोने का काम अभी तक नहीं हुआ है, ये काम अभी शुरू नहीं हुआ है। यहाँ पर हम येट का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम येट का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमको कहना हो कि कोई काम अभी शुरू ही नहीं हुआ। और फ्रेंड्स आपको यहाँ पर मैं एक खास बात बता दूं कि येट का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस में की जाती है, यानी आमतौर पर येट का इस्तेमाल नेगेटिव सेंटेंसेस में की जाती है। वह अभी तक नहीं सोया है, यानी ये सोने का काम अभी तक नहीं हुआ है। आप कहेंगे He has not slept yet. और yet का इस्तेमाल हम main verb के बाद करते हैं। अगर लिखा हो वह अभी तक नाश्ता नहीं किया है, यानी ये जो नाश्ता करने का action है वो अभी तक शुरू नहीं हुआ है, अभी तक start नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पर अभी तक के लिए yet का इस्तेमाल करेंगे। आप कहेंगे He has not taken breakfast yet. तो friends उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई कि still और yet दोनों means अभी तक या अभी भी, लेकिन वर्ड स्टिल का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें कहना हो कि कोई काम जो कुछ देर पहले शुरू हुई और अभी भी प्रोसेस में है, अभी भी चल रहा है, अभी भी जारी है। लेकिन वही हम येट का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमको कहना हो कि कोई काम अभी शुरू ही नहीं हुई, अभी प्रारंभ ही नहीं हुई, अभी उसकी आगाज नहीं हुई। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि ये दो कंफ्यूजिंग वर्ड्स को लेकर अब आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे, यह टॉपिक शानदार तरीके से समझ में आया। तो क्या इस टॉपिक से दो दो सेंटेंसेस आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि मैं चेक करके बता सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन्स के साथ, तब तक के लिए बाय।